जो भी कंटेंट इसमें पढ़ रहा है वो आपको बहुत मजेदार लग रहा होगा, एंटरटेनिंग भी है और साथ में आपको बेनिफिट भी दे रहा होगा आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड का कंटेंट कराया जा रहा है और बोर्ड का कंटेंट बिल्कुल एग्जैक्ट मिल पाना बहुत बड़ा अपने आप में एक अचीवमेंट होता है बच्चों के लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा डर खत्म हो चुका है। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो आप उनको भी बता सकते हैं कि ये एक यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसमें आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th में लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। 12th का तो कोई भी बोर्ड हो सकता है, आप सबके लिए बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं, कोई भी ओवरऑल कंटेंट सेम ही है तो सारी चीजें आपको दिख ही रही हैं और आप देख पा रहे हैं कि साउथ सिटी पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी आप हर एक मेंटर से आप मिल चुके हैं, लगातार आपको लेक्चर मिल भी रहे हैं तो आप जुड़े रहें लगातार, हर एक वीडियो का एंड तक जरूर देखें, ठीक है। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो सबसे पहले आप वीडियो को क्या कर लें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए तो आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की सीरीज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। बहुत स्पेशल कॉन्सेप्ट लेकर के आए आज और आज लास्ट लेक्चर है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं क्योंकि अपने काम की चीजें कुछ हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको। हाँ बस यहीं तक अरेंज करना, हाँ चलिए आते हैं यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व ए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ए y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब और पॉइंट दिया गया है बेटा एम स्क्वायर कॉमा एम क्यूब, एम स्क्वायर कॉमा एम। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट, पहली देखो सबसे पहली बात स्लोप की मैंने बात करी थी, जब आपको ध्यान हो तो नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट नहीं निकलता है, सबसे पहले आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ता है और उसके बाद नॉर्मल का स्लोप निकलता है। नॉर्मल का एग्जैक्टली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता जब तक आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ करते, पहली चीज तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये। तो सबसे पहली बात जो कर्व हमको दिया गया है वो कर्व क्या है आप ये समझिए, कर्व है हमारे पास ए वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए ए इंटू टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन 2ay, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 इनटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर m की पावर 4, a स्क्वायर m की पावर 4 होल अपॉन 2a और y की वैल्यू कितनी am क्यूब। तो यहां पर आपको एक चीज तो यहां से देखने को ये मिल गई कि a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो गया m की पावर 4 से m क्यूब कैंसिल हो गया, यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आया ओवरऑल वो आ गया 3 अपॉन 2 m। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा यहां पर, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट That is equal to the minus 2 upon 3m. ये आ गया हमारा slope of normal. देखिए normal का slope भी आ गया, tangent का slope भी आ गया, equation अपने से कौन से पूछ गई, equation हमसे पूछ गई equation of normal. देखिए आप कोई भी equation निकाल सकते हैं straight line में, हम लोगों ने बचपन से एक चीज ये सीखी है कि equation of normal या equation of tangent कोई भी पूछे, कोई भी even equation पूछे, अगर हमारे पास एक स्लोप और एक पॉइंट है तो हम लोग इक्वेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने पास स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑलरेडी निकल आया है, ये देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा आ गया है कि नहीं,
और ये पॉइंट आ गया, एक तो पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है ए एम क्यूब इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टू अपॉन थ्री एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी ए एम स्क्वायर, थ्री एम को मल्टीप्लाई कर दें, थ्री एम वाई माइनस थ्री ए एम की पावर फोर माइनस का टू एक्स माइनस माइनस प्लस टू ए एम स्क्वायर, इसको इधर कर दें, टू एक्स प्लस थ्री एम वाई माइनस थ्री ए एम टू दी पावर फोर माइनस टू ए एम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द जीरो। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेन नॉर्मल, सॉरी नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आते हैं हम लोग आगे। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल करके आ रही है। चलिए आते हैं इक्वेशन और देखते हैं इसी में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये यहां पर ए स्क्वायर बाई फोर और ए स्क्वायर बाई फोर है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो बच्चों पता ही चल गया अब तो, वन अपॉन टू रूट एक्स, ये आएगा वन अपॉन टू रूट वाई, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और ए का हो जाएगा जीरो, तो वन अपॉन टू रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स, ये टू एंड टू कैंसिल आउट हो जाएगा, टू टू, तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पे क्या मिल जाएगा, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई फोर होल अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई फोर, ये दोनों हो जाएंगे आपके कैंसिल। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिल जाएगा माइनस वन, और स्लोप और पॉइंट अगर मिल जाए तो हमारा काम तो बहुत आसान हो जाता है। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, चलिए ये भी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये, वाई माइनस वाई वन इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1, तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज माइनस वन इनटू x माइनस x1 ए स्क्वायर बाई फोर, y माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू माइनस x प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर बाई फोर माइनस का ए स्क्वायर बाई फोर, एक्स प्लस वाई माइनस का ए स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी निकल करके आ चुकी है, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर है।
एक बार इसको नोट करिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं इसको ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व में हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। मान लीजिए एक रफली एक कोई फिगर मैंने बनाया है, ये फिगर है और ये इसकी टेंजेंट है कोई, ये इसके कोई टेंजेंट है और इसके ये जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। ये इक्वेशन हमारी 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, तो स्लोप आएगा इसका माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी स्लोप की वैल्यू आ गई 2। तो डेफिनेटली इसका जो स्लोप है वो भी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। यहां पे मैंने पॉइंट लेट कर लिया a कॉमा b, ये पॉइंट मैंने लेट कर लिया a कॉमा b, क्योंकि बिना पॉइंट के आप नहीं काम कर पाओगे, पॉइंट तो चाहिए ही रहेंगे। जब पॉइंट निकाल आएंगे उसके बाद के आगे का प्रोसेस है कि आप कैसे निकालेंगे उसकी इक्वेशन। पहला पार्ट तो आपका यही पॉइंट निकालना काम है हमारा, तो सबसे पहली बात तो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो b इक्वल a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 7 इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7 डिफरेंशिएशन इसका कर दिया जाए, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा 2x माइनस का 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा 2a माइनस 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू है कितनी वैसे 2a माइनस 2, तो 2a की वैल्यू आ गई हमारी 4, a की वैल्यू कितनी आ गई, अगर a की वैल्यू आ गई तो डेफिनेटली आप b की वैल्यू तो निकाल ही लोगे क्योंकि पॉइंट तो पता ही कहां सेटिस्फाई करना है, इक्वेशन हम a और b की बना ही चुके हैं ये स्टार्टिंग में, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 * 2 प्लस का 7, और b की वैल्यू पे ध्यान दिया जाए b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो रहा है, 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो गए तो b की वैल्यू 7। अच्छा एक चीज बताइए, हमें इसी टेंजेंट की इक्वेशन तो फाइंड करनी है, हमें इस टेंजेंट की ही इक्वेशन तो फाइंड करनी है, और अगर इसका स्लोप पता है, स्लोप इसका पता दिख रहा है ना आपको कितना है 2, इसका स्लोप है 2, स्लोप पता है 0.2, 7, अगर आपको स्लोप और टेंजेंट पता है तो डेफिनेटली आप इजीली इक्वेशन तो निकाल ही लोगे, स्लोप और टेंजेंट पता है तो स्लोप और पॉइंट सॉरी ठीक, तो इक्वेशन और टेंजेंट का फार्मूला भी मैंने लिखा था, मैं डायरेक्ट प्योर अप्लाई कर रहा हूं, y minus y1 that is 7, slope of tangent that is x, x minus x1, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y minus 7 equal 2x minus का 4, 2x minus का y, minus का 4 plus का 7 equal to 0, 2x minus का y plus का 3 equal to 0, ये हमारा आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इसका स्लोप,
इसका स्लोप है माइनस का 1/14। अगर इसका स्लोप माइनस का 1/14 है तो डेफिनेटली इसका जो स्लोप आप देख पा रहे हैं इस लाइन का स्लोप वो कितना हो जाएगा 14। इसको मैंने अनुमान कर दिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप अगर m है तो डेफिनेटली जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप -1/m हो जाएगा। अगर इसमें माइनस लगा है तो उसके स्लोप में प्लस आ जाएगा और 1/14 में तो 14 आ जाएगा। इस चीज को आप समझिए। और ये पॉइंट मैंने रेड कर लिया a कॉमा b है। पॉइंट मैंने क्या रेड कर लिया कि a कॉमा b है और a कॉमा b पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। तो b इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a माइनस का 4। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1 पहली चीज। और जरा इस कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिलेगा। तो y इक्वल x क्यूब प्लस 2x माइनस का 4 dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 2। तो dy अपॉन dx एट द गिवन पॉइंट a कॉमा b और इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये बनेगा जाकर के 3a स्क्वायर प्लस का 2। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां पे दिया कितना गया है 14। तो जो 3a स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। तो 3a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक आएगी 2 और एक आएगी माइनस का 2। तो एक बार a की वैल्यू 2 पुट करी यहां पे दो इक्वेशन आएंगे। a की वैल्यू मैंने 2 पुट करी तो b की वैल्यू इस केस में क्या मिलेगा 2 का क्यूब यानी कि 8 प्लस का 4 माइनस का 4। ये वाला जो पार्ट है हमारा ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा यानी कि 8 आएगा। तो जो पॉइंट है वो मिलेगा हमें 2,8। पहली चीज तो ये एक पॉइंट हमारा ये होगा 2,8। एक वैल्यू एक बार माइनस का 2 पुट कर दी जाए a इक्वल टू माइनस का 2 तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब यानी कि माइनस का 8 माइनस का 4 और माइनस का 4 अगेन तो माइनस का 16 माइनस 2 कॉमा माइनस 16। ये दो पॉइंट आ गए। अच्छा स्लोप तो दोनों ही केस में क्या रहेगा सेम रहेगा 14। अच्छा एक बड़ी अच्छी बात भी रहती क्वेश्चंस में क्वेश्चन को लिख भी दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मतलब क्वेश्चन में ही पहले से इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट निकलेंगे नहीं तो अदरवाइज वो टेंजेंट लिखता। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स यानी कि एक से ज्यादा टेंजेंट की यहां पे पॉसिबिलिटी डेफिनेटली क्वेश्चन ही बता रहा है हमें। और दो पॉइंट निकले हैं स्लोप तो डेफिनेटली 14 ही रहेगा स्लोप तो चेंज होना नहीं है। तो जब पॉइंट स्लोप है तो इक्वेशन निकल आएगी तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन तो वाई माइनस 8 इक्वल टू 14x माइनस का 28 तो 14x माइनस का वाई माइनस का 20 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये निकल करके आ गई है। दूसरी बात यहां पर है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन टू वाई प्लस 16 इक्वल 14x प्लस का 28 आ जाएगा 14x माइनस का वाई प्लस का 12 इक्वल टू 0। नोट कर ले ये हमारी दोनों इक्वेशन निकल करके आ गई है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नोट करिए जल्दी से। अब एक मैं नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट का नेम है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन
बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। देखिएगा ध्यान से, जैसे ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहां पे दो कर्व हमारे बन रहे हैं, एक कर्व ये बन रहा है और एक कर्व ये बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये कह रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे देखिए आप एक ये टेंजेंट इस पे मैंने ड्रॉ कर दी है, एक टेंजेंट मैंने इस पे ड्रॉ कर दी, पहले इसको बना देते हैं, एक टेंजेंट मैंने इस पे ड्रॉ कर दी है यू, इसको डिलीट कर देते हैं, ये देखिए एक टेंजेंट ये बन गई, ठीक है। दूसरी बात, ये टेंजेंट दो बन गई हमारी, तो मान लीजिए इसमें थोड़ा सा और आगे जैसे बढ़ा दूं, तो इसका एंगल बन गया थीटा वन, मान लीजिए इसका एंगल हो गया ये थीटा टू, और इनके बीच का एंगल ये थीटा हमें फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, टैन थीटा इक्वल मॉड एम वन माइनस एम टू होल अपॉन वन प्लस एम वन एन टू एम टू, टैन थीटा इक्वल टू एम वन माइनस एम टू होल अपॉन वन प्लस एम वन एन टू एम टू, ये आ गया। इसके बाद की बात है क्या, इफ कर्व कट ऑर्थोगोनली तो कंडीशन बनेगी एम वन एम टू एम टू की वैल्यू माइनस वन, एम वन इंटू एम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का वन। इसी के बाद इफ कर्व टच ईच अदर, यानी कि M1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, M2 के इक्वल हो जाएगी, M1 इक्वल टू क्या आ जाएगा M2। इफ कर्व टच ईच अदर दैट इज M1 इक्वल टू M2, और ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चंस में, जैसे इसमें कहा गया फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व, तो सबसे पहली चीज तो क्या है, ये दो फिगर बना लेते हैं, रफली फिगर की नीड है, कोई बहुत ज्यादा एग्जैक्टली फिगर नहीं चाहिए, एक कर्व ये हो गया और एक कर्व ये हो गया, दोनों के इंटरसेक्शन की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। जैसे एक्स स्क्वायर वाई लिखा है 12, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स वाई की वैल्यू 12, एक्स वाई की वैल्यू 12 उठा करके यहाँ 6 यहाँ रख दो, एक्स वाई इक्वल टू 6, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स वाई इक्वल टू 6, एक्स वैल्यू 2 इंटू वाई की वैल्यू 3,
सॉरी वाई की वैल्यू 3 आई आ जाएगी निकल कर, एक्स की 2 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 6, ये वाला पार्ट हमारा आ गया। फिर हमने पूछा क्या क्या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स, तो 2, 3 पॉइंट पे पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया जाए, जैसे वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन एक्स, डिफरेंशिएशन किया जाए तो हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एम वन क्या मिलेगा माइनस का 6 अपॉन 4 यानी कि माइनस का 3/2, ये आपका फर्स्ट कर्व का स्लोप मिल गया यानी कि एम वन मिल गया है। अब जैसे एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या दिया गया है 12, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस का 24 अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि एम टू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 24 अपॉन 8 यानी कि माइनस का 3। स्लोप वाला जो पार्ट था वो हम लोगों ने निकाल लिया M1 और M2। स्लोप का पार्ट हमारा आ गया। अब इसके बाद मैं इस जगह सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा मॉड M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 4 अपॉन 1 प्लस M1 माइनस M2, ये आ जाएगा 3/2 होल अपॉन 1 प्लस 9/2, ये आ जाएगा 3/11। टैन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी टैन इनवर्स 3/11, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी टैन इनवर्स 3/11। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट नोट करना हो तो कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, तो कॉन्सेप्ट के बाद ये रहा क्वेश्चन जो मैंने एक सॉल्व कर दिया है। अब इस तरीके के एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, आप नोट करिए तब तक इसको। M1 minus M2 whole upon
m1 into m2, tan theta equal to m1 minus m2 whole upon 1 plus m1 into m2. m1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2√2, माइनस का 2√2 होल अपॉन 1 प्लस माइनस का 2√2 इनटू 2√2, माइनस का 4√2 अपॉन 1 - 8 कैंसिल होकर के ये देगा 4√2/7, 4√2/7। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टैन इनवर्स ये दोनों कर्व के बीच का एंगल हमारा निकल करके आ गया 4√2/7। नोट करिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। Find the condition that the curve 2x equal to y square and 2xy equal to k intersect orthogonally. तो orthogonally के लिए केस में जो condition है वो मैंने लिखाई है m1 into m2 is equal to the -1. m1 और m2 का जो product है वो क्या हो जाए? -1 हो जाए, तो हमारा काम चल जाएगा। तो पहली बात तो आप curve को solve करें। 2xy equal to कितना दिया गया? k, और 2x equal to दिया गया है y square, तो इस वैल्यू में यहां पुट कर दें 2x की जगह y स्क्वायर इनटू y, यानी कि y क्यूब इक्वल टू k। वो y की वैल्यू आई थी k की पावर 1/3, यहां पर रख दें तो 2x इक्वल k की पावर 2/3, x की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 2/3/2। तो पॉइंट क्या आ जाएगा? k की पावर 2/3 होल अपॉन 2, k की पावर 1/3, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करें, y इज इक्वल टू √2 और √x, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी? √2, और ये आएगा 1/2√x। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, और अंडर रूट एक्स की वैल्यू जब रखेंगे आप, तो अंडर रूट एक्स के केस में वैल्यू क्या आएगी? जब इसका रूट कर देंगे तो 1/2, यानी कि k की पावर 1/3 अपॉन √2, ये आएगा, ये कैंसिल हो गया। m1 की वैल्यू आ गई 1/k की पावर 1/3, ये हम बना गए। दूसरा 2xy इक्वल टू k, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? k अपॉन 2x। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx k बाय 2 इनटू माइनस का 1/x² तो m2 की वैल्यू आएगी माइनस का k बाय 2 इनटू 1/x², यानी कि यहां एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो इस पॉइंट को जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा k की पावर 4/3 अपॉन में 4, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऊपर आएगा, 2 माइनस 4 अपॉन k की पावर 1/3। और सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि आपसे कहा गया है कट ऑर्थोगोनली, अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो हमें कंडीशन तो पता ही है, m1 into m2 की वैल्यू क्या होती है? -1। m1 आपके सामने है 1/k की पावर 1/3, और m2 भी दिया गया -2/k की पावर 1/3 इक्वल टू -1, ये कैंसिल, तो 2 इक्वल टू k की पावर 2/3, दोनों तरफ कर दिया जाए क्यूब, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये हमारे लिए कंडीशन निकल करके आ गई है, k स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 8 निकल करके आ गई है।
अच्छा ऑर्थोगोनल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो बिल्कुल सेम ही था, तो आपको ध्यान रखना है कि देखो मैं इसको बता देता हूँ फिर किस तरीके से करना है। 2xy = k, 2x = y² था, तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करके एक कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ये कोऑर्डिनेट आपके निकल गए हैं k^2/3/2 और k^1/3। इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने क्या निकाला, m1 निकाला। फिर मैंने अगेन डिफरेंशिएशन किया दूसरे वाले कर्व का, जब दूसरे वाले कर्व का डिफरेंशिएशन किया तो वहां से निकल करके आया हमारा m2। और जब ऑर्थोगोनल की बात करी जाती है कि दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो वहां पर m1 * m2 की वैल्यू क्या हो जाती है, -1। तो m1 * m2 का प्रोडक्ट इसके इक्वल कर दिया, -1 के इक्वल कर दिया, तो वहां से हमारा रिजल्ट निकल करके आ गया k² = 8। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज से हमारा हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर जो मैंने कराया स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। फिर इसका 3 लेक्चर्स 3, 4 और 5 ये थे हमारे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तो वो स्टार्ट हो जाएगी अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की। अगर उसके लिए आपको इनइक्वालिटी आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम लोग किस लिए, हम कराएंगे आपको इनइक्वालिटी भी पूरा बेसिक से लेकर के चलेंगे और एसिडी तक लेके जाएंगे। एसिडी का मतलब यहाँ अगर आसने से तो एसिडी कुछ नहीं, वो मतलब कि पूरा बेसिक से लेकर के पूरा जितना भी अपर लेवल तक होता है बोर्ड्स में जितना आता है उतना हम लोग करेंगे। तो आप हमारे साथ बस बने रहें, हर एक वीडियो को एंड तक देखते रहें, तो यही हमारे लिए अप्रिशिएशन होगा। और हम मेरा नेम है दुर्गेश तिवारी और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर जो कि आप देख रहे हैं। और अगर आप वीडियो को हमारे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कोई अगर अच्छी चीज है तो उसका बेनिफिट सबको कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, तो आपके जो क्लासमेट हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप एक बार बताएं जरूर, शेयर जरूर करें, क्योंकि बोर्ड्स में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने हैं, ये हमारा टारगेट है। और किस तरीके से दिलाएंगे आप देख ही रहे हैं, कंटिन्यू लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए भी अपलोड हो रहे हैं। बस आपको करना क्या है कि हमारे चैनल साउथ सिटी PCMB को आप उस बार बार सर्च करना, इसमें वो सर्च बार में सबसे टॉप पे आ जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों बस इतना ही, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि सिलेबस हमारा ईयर लॉन्ग चलेगा, फुल सिलेबस आपको कराएंगे, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, लेक्चर्स अपलोड लगातार हो रहे हैं और आपके पास पहुंच भी रहे होंगे। अगर आपको कोई लेक्चर पसंद भी आए तो आप लाइक करें, शेयर जरूर करें, कमेंट्स भी करें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पूछना है या कोई एक पर्टिकुलर डाउट है तो भी आप क्वेश्चन क्या करें, कमेंट करें, तो आपका वो क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा, आपको किसी न किसी तरीके से उसको बताया जाएगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, कोई भी सब्जेक्ट में ये चीज़ हो सकती है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, देखने के लिए थैंक यू, फिर से मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर में अपने, जो कि होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। बाय बाय।